अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब बिल्कुल ठीक और खुश रहें। तो आज का जो व्लॉग है वो मेरे बेटे की बर्थडे का व्लॉग है। माशाल्लाह मेरे बड़े बेटे की बर्थडे थी और वो 10 साल का हो गया है। माशाल्लाह बच्चे एकदम से बड़े हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है। तो उसकी जो बर्थडे थी वो 30 जून को थी, वेनसडे वाले दिन। लेकिन ये है कि क्योंकि बच्चों का स्कूल वगैरह होता है तो स्कूल डेज़ में ये होता है कि बच्चे पहले स्कूल में, फिर स्कूल से वापस आए तो घर पे उनका जो स्कूल का काम वगैरह होता है, असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट करनी, तो ये है कि फिर हमने उस दिन तो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की, तो हमने फिर सैटरडे को वीकेंड पर उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर ली थी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे। तो जो केक कटिंग है वो तो हमने घर पे ही केक वगैरह को कट किया था और फिर बाद में हम चले गए थे डिनर करने के लिए बाहर। जो मेरे बेटे की फेवरेट प्लेस है, उसका फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहाँ हम गए थे डिनर के लिए, तो वो भी आप देखेंगे बाद में। तो पहले जो है वो केक कटिंग देख लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। How old are you now? How old are you now? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Hello, DK, Kate, Bismillah. Chalo, pakde. Okay. Yes. Okay, yes. Wow, nice cake. I can jump too. Yes, Bismillah. Here you go. तो जो बर्थडे का केक था वो मैंने खुद ही बेक किया था घर पे, क्योंकि मेरे बच्चों को ब्राउनीज काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो फिर मैं ब्राउनी केक घर पे बेक कर लेती हूँ। क्योंकि पहले हम शॉप से बाय करते थे केक बेकरी वगैरह से, तो ये होता था कि बच्चे खुश तो होते थे उसकी डेकोरेशन देख के, लेकिन ये है कि खाने में इतना इंजॉय नहीं करते थे। तो ये है कि जब से मैंने ये सेकेंड टाइम है, लास्ट टाइम भी जो मैंने अपनी वीडियो शेयर की थी आपके साथ अपने छोटे बेटे की बर्थडे की, उस पर भी मैंने केक घर पे बनाया था, तो उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया था। और इस दफ़ा इसने मुझे बोला था कि आप केक बनाएं। तो यहाँ अभी ये है कि मैं भी रेडी हो गई हूँ, बच्चे तो ऑलरेडी ये है कि तैयार हुए हुए थे, लेकिन यह कि मैंने अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे, तो अभी मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, रेडी हो गए हैं। और अभी हम आ गए हैं नैंडो, क्योंकि हमें यहाँ आना था डिनर करने के लिए। तो यहाँ का जो खाना है वो हम सबका ही फेवरेट है, लेकिन यह है कि स्पेशली बर्थडे बॉय की फरमाइश थी कि उसे यहाँ ही आना है, तो फिर हम यहाँ आए थे डिनर करने के लिए। Let's see, what's the yellow stuff?
लेमन एंड हर्ब है। इसको रहने दो। पंजाबी स्टाइल। सी व्हाट वफीक इज ईटिंग। वफीक आप क्या खा रहे हो? चिकन। और ये चिप्स किसकी हैं? आपके हैं। आप अपना फेस तो दिखाओ हमें। ओ वाओ माशाल्लाह। तो अभी यहाँ हुआ डिनर डन और अभी टाइम है घर वापस जाने का। और ये है आउटसाइड एरिया नैंडो का, जिस जगह पे ये था। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हैं नैंडोज बने हुए, लेकिन ये है कि कुछ जगह पे आपको हलाल चिकन वगैरह नहीं मिलता। कि यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होता है। लेकिन ये है कि ये जहाँ हम गए थे, यहाँ आगे भी हम जाते हैं, तो पहले हम काफ़ी जाते थे वीकेंड वगैरह पे स्पेशली। लेकिन ये है कि जब से ये कोरोना वगैरह का सारा सिलसिला शुरू हुआ है ना, तब से हम आज पहली दफ़ा ही गए हैं बाहर खाना खाने के लिए। वरना नॉर्मली ये होता है कि वीकेंड पे कभी हम जाके ना बाहर से टेक अवे लेके आ गया और वो घर पे ही खाना वगैरह खाया, इस तरह का सिलसिला था। लेकिन अभी क्योंकि थोड़ा बहुत ईज़ भी है लॉकडाउन में, तो फिर यह है कि बेटे की भी फरमाइश थी, तो फिर हम बाहर चले गए खाना खाने के लिए। लेकिन यह है कि काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी टाइम के बाद हम बाहर गए तो काफ़ी अच्छा लगा। और वीडियो को भी अब यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग जो है वो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।